CB350 ये इधर खड़ी है अपने येलो कलर का टाट ये जैसी। लेते हैं अभी थोड़ी टेस्ट राइड अपन काफ़ी टाइम बाद। कितने किलोमीटर चल चुकी है? 7000 हो गए। और अभी जो हिमाचल राइड किया था तो उस पर क्या सीन रहा? मैं भयंकर सीन हुआ। क्या सीन रहा? तो भयंकर ही तो जानना चाहते हैं हम। भागने में तो मस्त है, मैं तो मालूम ही नहीं चलता, दम ही नहीं घुटता। और ऑफ रोडिंग में? ऑफ रोडिंग में तो ऑफ रोडिंग आती है ना वो तो चला लेगा। और आपको नहीं आती? तो नहीं आती। आप मतलब न्यूब हो? अच्छा, तो पूरी राइड खत्म हो गई ना तब चलाने आई थी ऑफ रोड। वो सीख गए, मतलब वो कहते हैं ना कि पानी में कूद जाओ और स्विमिंग आ जाएगी, लेकिन मैं कभी कूदना नहीं चाहता ऐसे। मैं तो कूदा हूँ ना पानी में, झरने में गिर गया था। अच्छा, तो उसके बाद है ना पहले गियर में चलाना होता है धीमे, टॉर्क ज़्यादा नहीं है इसका, तो वो सेकंड गियर में उठती नहीं है, पहले गियर में उठाना पड़ती है। हाँ, बस वो एक इश्यू है ना। बस ये ज़्यादा है सबसे ज़्यादा। और कितने हैं कि मैं टॉर्क की जब काम में आता है? कितने किलोमीटर की रहेगी राइड ये? हो 2300-2400 की थी। अच्छा, टोटल आना जाना है ना? आना जाना पूरा जयपुर। तो कैसी क्या कम्फर्ट रहे, कैसी क्या है? कम्फर्ट में तो मज़ा आता है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है पहाड़ में। अच्छा, आते ना ये साइड में से निकालते हैं कट मारते हैं, देख लेते हैं थोड़ी सी, एक छोटी सी राइड लेके। तो वो की चेन भी मैं काफ़ी भारी कर रखा है। और भाई विंडशील्ड ये लगा के तो क्या है कि विंड ब्लास्ट में बहुत इजी हो जाती है, मज़ा आ जाता है। मतलब और हैंडल बार राइजर ये लगा के कम्फर्ट तो मतलब बढ़ा ही रखा है। तो कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट है इसका। तो टॉप स्पीड तो भाई 160 दिखा रखी है इसकी। भाई सही में फील नहीं होता गाड़ी में कि जोर आ रहा है कुछ ऐसा है। तो इसका भी यार MT के जैसे ऊपर दे रखा हॉर्न, में बजाता रह गए, इंडिकेटर को दबाने में रह गए। तो क्योंकि रिस्पांस काफ़ी अच्छा है यार इसका। अभी मैंने सेकंड ही डाल रखा है, लेकिन ये देखो 60 प्लस जा रही है सेकंड में। अभी भी नॉर्मल लग रही है लेकिन 60 में भी, तो 70 तक 80 तक आराम से चली जाती होगी शायद, क्योंकि 70 गई है अभी लास्ट। तो अभी ज़्यादा अपन इसको अभी रन मार लेते हैं, और जिस तरीके से शांति से सभ्य तरीके से अपन गाड़ी टेस्ट राइड के लिए ली थी, तो उसी तरीके से अगले को संभलवा देते हैं भाई। और गाड़ी भाई मस्त मज़े मज़े वाला ही है कि आप थोड़ा टॉप स्पीड में भी जा सकते हो वन, क्योंकि मेरा देखा हुआ 140 तक ही भी इजीली आराम से आप क्रूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है ऐसे। तो बस वही सीन है कि अगर बुलेट की तरफ भी देख रहे हो तो भाई इसकी तरफ भी देख सकते हो, लेकिन आज के टाइम में ऑप्शन और भी बहुत सारे आ जाते हैं जिस प्राइस रेंज में ये आ रही है। लेकिन भाई की चॉइस क्या थी कि 300R की थी, तो लेकिन वो क्या है कि थोड़ी कॉस्टली ज़्यादा पड़ रही थी उस टाइम, अभी तो उसकी रेट डाउन चल रही है। तो अगर स्पोर्ट्स बाइक का लेने का है सीन तो उसकी तरफ भी, अगर विंटेज टाइप की इस तरीके की चाहिए तो भाई बेस्ट बाइक है भी। और एग्जॉस्ट भी भाई अच्छा है, लाउड है, ऐसे चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। और कंफर्ट तो सीट की कम्फर्टनेस भी अच्छी है। अभी हाईवे होता तो आपको थोड़ा अच्छे से क्रूज़ करके दिखाते हैं अभी, लेकिन ये सारा मॉडिफिकेशन कितना क्या है, ये जो हैंड गार्ड है, विंडशील्ड है, और ये जो फॉग लैंप है, वो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं कितने क्या वो है इसमें। बस वो कैरियर नहीं है अभी इंस्टॉल किया हुआ, क्योंकि जल्दी से एक सीन क्या रहता है कि थोड़ा पार्ट्स में इसमें, क्योंकि कम सेल आउट हुई है तो पार्ट्स के थोड़ी सी दिक्कत आती है। और गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है भाई, सर्विस का मेंटेनेंस भी ठीक ठाक पड़ जाता, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है इसका, वही तीन चार के आसपास पड़ जाता है नॉर्मली, या 2-2.5 में अगर फ्री सर्विस है तो 1.5-2.5 के आसपास। चाबी और भूल गए यार कहाँ लगती है MT में लगा लगा के।